फ्रेंड्स आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नेपोटिज्म के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से चाहे आप स्ट्रगलिंग एक्टर हो या फिर स्ट्रगलिंग राइटर हो या फिर डायरेक्टर हो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि क्यों एक आउटसाइडर को बहुत परेशानी होती है फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा पाने में एक सफल इंसान बनने में क्यों प्रॉब्लम होती है तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हाय फ्रेंड्स मैं हुआ काश रजक और आप देख रहे हैं आर एस फिल्म प्रोडक्शंस फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो फ्रेंड्स देखिए नेपोटिज्म सबसे पहले क्या होता है ये आप समझ लीजिए तो आपको बाकी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी किसी भी काम में किसी भी अपने को वो काम को दिला देना मान लीजिए कोई भी इंसान कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है तो वो अपने बेटे को या फिर अपने बेटी को या फिर अपने भाई को बहन को या फिर ऐसे किसी रिश्तेदार को जिसे वो जानता है उसे वो काम दिला देना जबकि उसे उस काम की अच्छे से समझ ना हो तो इसे नेपोटिज़्म कहा जाता है तो नेपोटिज़्म जो है ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है आप ये ज़रूर देखे होंगे कि जो स्टार किड्स रहते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लॉन्च मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में भले वो उसे डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं ये बात की बात है लेकिन स्टार किड्स को बहुत अच्छा लॉन्च मिलता है उन पर करोड़ों रुपए उनके फादर जो रहते हैं वो खर्च करते हैं या मदर रहती है वो खर्च करती है और उन्हें अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाता है बाद में फिल्म चलती है या, या नहीं चलती है या फिर पब्लिक उन्हें पसंद करती है या नहीं करती है ये बात की बात होती है तो इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है तो इस कारण से क्या होता है कि जो बाहर आउटसाइडर से जो आउटसाइडर रहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम जमाने पहुंचते हैं उन्हें काफी परेशानी होती है क्योंकि जैसे मान लीजिए एक फिल्म बन रही है उस फिल्म में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ उस फिल्म में किसी डायरेक्टर को लिया गया अब उस डायरेक्टर को उस फिल्म के लिए साइन किया गया एग्रीमेंट हो गई सारी चीज़ें हो गई लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद फिर अचानक जो प्रोड्यूसर है उसने उसका नाम हटा करके डायरेक्टर के पोस्ट से उसे हटा करके अपने किसी रिश्तेदार को या फिर अपने ही अ, क्लोज किसी को चाहे वो अपना बेटा हो सकता है या अपनी बेटी हो सकती है या कोई भाई बहन हो सकता है तो इस तरीके से वो उसे उस पोस्ट के लिए नियुक्त कर देता है यानी एज अ डायरेक्टर वो उसे ले लेता है फिल्म में तो यहाँ पर जो इंसान जिससे वो फिल्म छिन गई है तो वो हो जाता है नेपोटिज्म का शिकार सुशांत सिंह राजपूत जिनकी सुसाइड जिन्होंने सुसाइड कर ली थी कुछ दिन पहले ही इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी मेरी बॉलीवुड को जानो चैनल जो है उस पर वो वीडियो मौजूद है दो वीडियो मैंने इस पर बनाई हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए बॉलीवुड को जानो चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उस चैनल पर जाइए और उन दोनों वीडियोज़ को भी देखिए आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो सुशांत सिंह राजपूत वो भी नेपोटिज़्म के शिकार हो गए थे उनसे कई फिल्में ऐसा बोला जा रहा है कि सात फिल्में उनसे छिन गई थी नेपोटिज़्म के कारण ही कहीं ना कहीं नेपोटिज्म से उन्हें डिप्रेशन हुआ यानी उनसे फिल्में छिन गई और उन्हें और काम नहीं मिल रहा था जिस तरीके का काम वो डिज़र्व करते हैं वो वर्क उन्हें नहीं मिल पा रहा था इसलिए वो डिप्रेशन में आ गए और डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर ली खैर ऐसा किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब इस तरह का वो कदम उठाते हैं तो उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं चाहे उनके माता पिता हो या भाई बहन हो या रिलेटिव्स हो फ्रेंड्स हो उन पर क्या बीतेगी उनके बारे में एक बार उन्हें सोच लेना चाहिए और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए लेकिन ये जो नेपोटिज़्म है ये अब इस पर हम लोग आ जाते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे देखिए नेपोटिज्म जो है ये और एक टर्म फिल्म इंडस्ट्री में आता है ग्रुपिज्म तो ये दोनों जो है ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं ग्रुपिज्म क्या होता है जैसे अपने ही ग्रुप के साथ काम करना अगर एक फिल्म प्रोड्यूसर है तो वो क्या करता है वो जब एक नया इंसान रहता है मान लीजिए एक नया प्रोड्यूसर रहता है तो तो ठीक है चलिए वो नेपोटिज्म और जो ग्रुपिज़्म मैंने बताया उनमें से किसी का भी वो शिकार नहीं रहता है या फिर वो उन्हें फॉलो करते हुए नहीं चलता है लेकिन जब जैसे जैसे वो सफल होता है वो क्या करता है अपना एक ग्रुप बनाने लगता है वो किसी पर्टिकुलर राइटर को अपने ग्रुप में रख लेता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को अपने ग्रुप में रख लेता है कोरियोग्राफर को अपने ग्रुप में रख लेता है तो इस तरीके से वो अपना ही ग्रुप बना लेता है और ग्रुप के अंदर ही वो काम करता है यानी बाहर किसी का वो कंटेंट लेना ही नहीं चाहता है अगर स्क्रिप्ट राइटर की बात करें तो मैं देखूंगा कि आ, ये, मैं यूजुअली देखता रहता हूं कि बहुत सारे जो राइटर्स रहते हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं लेकिन उन्हें अपनी फर्स्ट फिल्म मिलने में बहुत परेशानी होती है उनकी स्क्रिप्ट सेल होने में परेशानी होती है इसलिए मैं अपने वीडियोज में बताता रहता हूँ कि आप कम से कम फिफ्टी सिक्सटी प्रोड्यूसर्स को आ, जाकर के स्क्रिप्ट सबमिट करेंगे ट्राई करेंगे तभी काम होगा और ऐसा क्यों होता है ये परेशानी क्यों आती है नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के कारण एक तो वो लोग अपने ही रिश्तेदारों को बैठाते हैं उस पोस्ट के लिए दूसरा ये है ग्रुपिज्म यानी अपने ही ग्रुप के साथ वो लोग काम करना पसंद करते हैं तो ये जो ग्रुपिज़्म है यानी जो राइटर है वो उनका ही ग्रुप का राइटर होगा जो डायरेक्टर है वो उनका ही ग्रुप का डायरेक्टर होगा इससे नए लोगों को चांस नहीं मिल पाता है या फिर बोला जाए तो बहुत कम चांस मिलता है नए लोगों को इस ग्रुपिज्म को भी तोड़ना चाहिए ये जो ग्रुपिज्म वाला जो मेथड है इससे किसी भी प्रोड्यूसर को नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इससे फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है आप देखेंगे हॉलीवुड कहाँ से कहां पहुंच गया लेकिन बॉलीवुड जो है वो अभी भी हॉलीवुड के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जबकि हॉलीवुड में जितनी फिल्में बनती है उससे कई ज्यादा तादाद में फिल्में इंडिया में बनती है आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड इन फिल्म प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में ही बनती है लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इंडिया का नाम फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो उतना ऊपर नहीं है हॉलीवुड सबसे आगे माना जा रहा है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि लोग अपने ही लोगों को नियुक्त कर रहे हैं अपने ही ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं एक बार ये दोनों चीजों को अगर लोग तोड़ देंगे इन नियमों को तोड़ देंगे और नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म इन दोनों को हटा करके नए लोगों को मौका देंगे नए लोगों को चांस देंगे तो उन्हें नई नई आइडियाज़ मिलेंगी नई तरीके से फिल्में बनेंगी और फिल्में अच्छी बनने लगेंगी और जाहिर सी बात है जब फिल्में अच्छी बनेगी तो बॉलीवुड का नाम भी ऊपर आ जाएगा और बॉलीवुड हॉलीवुड को सीधे टक्कर दे देगा तो ये जो नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म है उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा देखिए हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मिस्टेक्स हो रहे हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ राइटर्स एसोसिएशन में क्या होता था पहले जब मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था जब मैं राइटर कार्ड बनवाने के लिए जा रहा था तो उस समय मेरे साथ भी क्या हुआ था कि वहाँ पर जब मैं कार्ड बनवाने गया तो फेलो मेम्बरशिप का पहले कार्ड बनता है तो फेलो मेंबरशिप के लिए भी वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि आपको प्रोड्यूसर का एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ेगा या फिर आपको अपने राइटर होने का प्रूफ देना पड़ेगा तो आप एक नए राइटर है आप नए सिरे से ट्राई कर रहे हैं तो आप कैसे ये सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे तो वहाँ पर वो चीज़ गलत था तो खैर राइटर्स एसोसिएशन ने ये अपनी गलती सुधारी मैंने पहले इस पर वीडियो भी बनाई है, तो उसने ये गलती सुधार ली और अभी आप फेलो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है लेकिन अभी भी डायरेक्टर्स एसोसिएशन और प्रोड्यूसर्स uh, एसोसिएशन ये सब मिस्टेक कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें गलत है मैं अपनी पर्सनल uh, बातें बता रहा हूँ मुझे जो लगता है मैं ये बता रहा हूँ मैं किसी पर एल्ज़ाम इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ तो देखिए प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और uh, जो डायरेक्टर्स uh, एसोसिएशन है ये दोनों एसोसिएशन में भी यही होता है इसमें प्रोड्यूसर का साइन मांगा जाता है आप प्रोड्यूसर का कार्ड बनवाने जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप किसी ऐसे प्रोड्यूसर का साइन वहाँ पर करवा करके दीजिए जो जिसकी फिल्म रिलीज हो चुकी है अब मान लीजिए कि आप एक नए फिल्म मेकर है आपके पास पैसे हैं आपके पास नॉलेज भी है तो आप कहाँ से किसी प्रोड्यूसर का साइन लाएंगे आपको आपके पास उतनी रिलेशनशिप नहीं है आप किसी को जानते नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में आप बिल्कुल नए हैं तो कैसे आप साइन लेकर आएंगे आपको किसी से साइन करवाने में परेशानी होगी क्योंकि वहाँ पर उन्हें साइन करना रहता है अपना मेंबरशिप नंबर डालना रहता है तो ये सब चीज़ें जो है ये गलत हो रही है फिल्म इंडस्ट्री में और मुझे लगता है कि इसे सुधारने की ज़रूरत है नए लोगों को इससे मौका मिलेगा मान लीजिए कि मेरे ही पास सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि चलिए मेरे ही पास बहुत सारे पैसे हैं और आ, मैं चाह रहा हूँ कि अपनी एक फिल्म बनाओ लेकिन मेरा बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन मुझे नॉलेज भी बहुत अच्छा खासा है तो जब मैं अपने प्रोड्यूसर का, का कार्ड बनवाने जाऊँगा तो वहाँ क्या होगा वहाँ मुझे साइन करवा करके देना पड़ेगा एक ऐसे प्रोड्यूसर का जिसकी फिल्म पहले से निकल चुकी है तो वो मैं कैसे करूँगा मैं किसी को जानता तो हूँ नहीं तो मेरी फिल्म वहीं के वहीं रुक जाएगी और मैं फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और आगे आ, काम नहीं मिलेगा मुझे तो इस तरीके से यही सब कारण है कि नए लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से वो अपनी शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं और किसी तरीके से वो एंटर भी कर लेते हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें दबा दिया जाता है या फिर कहीं ना कहीं उन्हें, उन्हें उनके पोस्ट से हटा करके किसी और को वो पोस्ट दे दिया जाता है तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो रही है तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है मुझे ऐसा लगता है और आप सबको भी क्या लगता है इस ग्रुपिज़्म और नेपोटिज़्म के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आ, क्योंकि आप सभी लोग अगर इस चीज़ का विरोध करेंगे तब जाकर के ये सभी चीज़ें सुधरेंगी और हमें यह सभी चीज़ें बॉलीवुड में सुधारनी ही होंगी क्योंकि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और देखिए ऐसा भी नहीं है कि नए लोग आ, को मौका नहीं मिलता है आप ट्राई करते रहेंगे करते रहेंगे तो आपको मौका जरूर मिलेगा आप सुनते होंगे फिल्म इंडस्ट्री में कि लोगों को आठ साल दस दस साल गुजर जाते हैं स्ट्रगल करते करते तो ऐसा क्यों होता है यही कारण है उसका कि उन्हें सही मौका नहीं मिलता है और अगर इन सभी चीज़ों को हटा दिया जाए ग्रुपिज्म को नेपोटिज्म को अगर हटा दिया जाए तो कंपेरेटिटिवली कम समय लगेगा फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी स्ट्रगलर को अपनी पहचान बनाने में क्योंकि लोग नए नए लोगों को मौका देंगे और मौका देंगे तो नए लोगों को जब मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का तो वो लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और अपना बॉलीवुड में कदम अच्छे से जमा पाएंगे तो इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ सीखे उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में मालूम चले तो आप इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय